सद्गुरुदेव भगवान की बंद मोबाल रूप सोई सब सिद्धि सोल जपत जी सुना मंगल भवन अमंगल भारी द्रव श्री राम जय राम जय जय सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने बंदों से तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बोड़त लख्यो प्रगट सत्य सिय राम मैं सब जग जानि करमु प्रणाम जो रज राम चंद्र भगवान की शुभवाणी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम।
बाबा भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री हनुमान जी गोस्वामी पाद के चरणों में बारंबार वंदन। भगवान की पवित्र कथा में पधारे आप सभी सुधिजन भागवत जन प्रेमी जन। हमारे सुपुत्र शेष राम जी मौर्य की कथा इनकी जन्मभूमि पर नवंबर कार्तिक मास में निश्चित है, परंतु इनका भाव बना कि एक कोई समय मिले जिसमें कुछ राम चर्चा हो जाए गुरु जी, तो पुणे के लोगों को भी कुछ अमृत रस के द्वारा राम कथा के प्रवाह में जोड़ा जाए। पुणे सद्गुरुओं की धरती है महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन पुण्य भूमि है और ये मराठावाड़ वीर भूमि है, वीरों की धरा है। तो हमारे प्रिय बाबू शेष राम मौर्य जी के इस भाव संकल्प में जो जो लोग इनके साथ में अपने अपने मनसा वाचा कर्मणा परिवार से मन से धन से जन से जिस प्रकार जो सहयोगी बने हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, व्यासपीठ का आशीर्वाद है, गुरुदेव के आशीष की भावना। श्रीमान योगेश अन्ना टी लेकर माननीय पूर्व विधायक जी, श्रीमान रामदास सालवे प्रांगण के इस पूरे क्षेत्र के वो स्वामी हैं, श्रीमान विनोद गाड़ा जी, नीलम मिठल, श्री संतोष कोठारी जी, ओम श्रीनिवास और हमारे राम जन्मोत्सव की भी मुख्य यजमान रही माई श्रीमती जानकी माता वंशवर्धन। माई गंगा में नहाने से माई चूकती नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कि आप भी आ जाओगे। चलिए आपको बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप सभी जो लोग इसमें भैया आपका साउंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मेरा आपको आशीर्वाद है। तो ये भी एक संयोग है कि चार धाम की तीर्थ यात्रा सब परिवार मित्रों के साथ करके और मैं आपके पास राम चर्चा करने आ गया। मित्रों को यथाशक्य हमने अपने अपने घर भेज दिया और मुझे यहाँ एक दिन पहले आना था, परंतु केदारनाथ भगवान की कृपा रही कि वहाँ हम लोगों को दो दिन रुकना पड़ा। एतदर्थ मैं आज ही दिल्ली से यहाँ पहुँचा हूँ। ये दो दिन का सत्र इसलिए रखा गया है कि कुछ तो राम चर्चा हो जाए, वरना तो मैं एक शाम राम जी के नाम ही करता हूँ। मार्ग में कई आयोजन थे हमारे शहडोल में, सूरत में, अहमदाबाद में, आनंद में, मैंने सब कार्यक्रमों को रोक दिया है। चार धाम की यात्रा के बाद थोड़ा शरीर भी श्रमित हुआ और आयोजन न होता तो मैं विश्राम के मोड में था, एकदम विश्राम के मोड में था। यहाँ भी हमारे कई मित्र पुणे में रहते हैं, मुंबई से लोग आ रहे थे, मैंने सबको रोका, भैया आज मत आना, बाबा आएगा सो जाएगा। तो मैंने सब बच्चों को विदा किया और मैं आया और सो गया चाय पीकर। अब दो ढाई घंटा जितनी देर आप सुनेंगे आपको हम रामचर्चा सुनाएंगे। छोटी मोटी कथा करनी होती है तो मेरे साथी लोग सब कर देते हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, परंतु आपके साथ हम चर्चा करेंगे।
बेटा जरा तारकेश्वर बेटा ने कुछ प्रश्न बनाया है, मंगा के दे दो हमको। आप में से कोई दो चार प्रश्न करे तो आपके ही अनुसार मैं कुछ सुनाऊं आपको। क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए। हम तो पूरी राम कथा करते हैं और अपने मन से नहीं करते, श्रोता के मन से करते हैं। कई बार हमारे प्रेमियों का आग्रह होता है कि महाराज ये सुनाइए, वो सुनाइए, ऐसा सुनाइए, वैसा सुनाइए। आपको बता दूं, भारत एक ऐसा देश है यहाँ सलाह देने वाले अधिक हैं, लेने वाले कम हैं। किसी को बता भर दीजिए, सिर में दर्द है, सेरिडान खा लो, पैरासीटामोल खा लो, एस्पिरिन खा लो, बिना डॉक्टर से पूछे कुछ मत खा लो, वरना क्या होगा भगवान जाने। समय बदल गया है। 7 साल पढ़ाई मेडिकल की करने के बाद आदमी आरएक्स करके प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकारी होता है। 7 साल लॉ की पढ़ाई करने के बाद और 10 साल घिसाई करने के बाद बॉस के पांव के तले हाथ रगड़ने के बाद आदमी वकील बनता है। चाहे जो नहीं कर सकता है, चाहे जो नहीं बांध सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि किससे हम सुझाव लें और किसको सुझाव दें, चाहे जिससे न लिया जाए। स्वामी को अपनी हाइट समझनी चाहिए। हाइट माने अस्तर। गोस्वामी जी ये पंक्ति कितनी प्यारी कहते हैं, कौन प्लीज मेरा मोड़ देख करके तब हाथ रखा करिए, वेट करिए उनका। कौन कुसंगति पाई न साये, कौन कुसंगति पाई न साये, कौन कुसंगति पाई न साये, कौन कुसंगति पाई न साये। रहिन नीच मते चतुराई, रहिन नीच मते चतुराई, रहिन नीच मते चतुराई। जेहिते नीच बढ़ाई पावा, जहिते नीच बढ़ाई पावा, जहिते नीच बढ़ाई पावा, हति ताही न सावा, सो प्रथम हति ताही न सावा, सो प्रथम हति ताही न सावा, धूम अनल संभव सुन भा
अनल संभव सुनु भाई घन पदवी पाई घन पदवी पाई बुझाव घन पदवी पाई खगपति यस मुझि प्रसंग सुनु खगपति यस मुझि प्रसंग उध नहि करहि अधम कर संग अधम कर संगा बुध नहीं करहिं अधम कर संगा जो पंक्तियां हम लोगों ने गाया है इसमें एक पंक्ति तो श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड से है, शेष तीनों पंक्ति उत्तर कांड के कागभुसुंडी गरुड़ संवाद प्रसंग से है। इसको कहते हैं नीति। नीति क्या है? वह विधान जो सदग्रंथों में लिखा है उसको नीति कहते हैं। जिससे राज मिल जाए वो राजनीति है, जिससे धर्म साधन हो वो धर्म नीति है, जिससे कर्म सिद्ध हो वो कर्म नीति है, और जिससे दूसरे का विनाश हो वो असुर नीति है। शब्द है नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति। वो रीति है, रीति माने नीति। तो ये प्रसंग गोस्वामी जी मंथरा जी के कैकेयी अम्बा को राम जी के बन जाने के लिए समझाने के आश्रय में कह रहे हैं। हमको आपको जीवन में इस बात का अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हम किसकी सुने गुने और रहें, चाहे जिसकी राय न मानी जाए, चाहे जिससे राय न लिया जाए, राह में जो मिला हम उसी के हो लिए, ये श्रेष्ठ मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हमको हमारा जीवन, जीवन का सिद्धांत हाइपोथिकेशन ये बनाना पड़ेगा। औरों की बात नहीं करते, आप प्रमाण दर्शन करिए, कहीं भी स्वामी को स्वामी के हद में रहना चाहिए, सेवक को सेवक के हद में रहना चाहिए, ये नीति कहती है। जबरन किसी को अपने बराबर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो वो बन पाएगा नहीं, और आप वो रह नहीं पाएंगे जो हैं, ये कथा कह रही है। उदाहरण क्या देते हैं कागभुसुंडी जी महाराज? कहते हैं हे
गरुड़ जी, धुआं आग का बच्चा है, धुआं जब तक आग नहीं जलाएंगे तब तक धुआं नहीं होगा, आग जले तब धुआं प्रत्यक्ष होवे। धुआं है इसका मतलब वहां आग है तभी धुआं दिख रहा है, परंतु वह धुआं जो अग्नि से ही जन्म लेता है, गगन की ओर बढ़कर समुद्र देव से सूर्य भगवान द्वारा अवशोषित वाष्प अर्थात जल संघात के संपर्क में आते ही बादल बनकर सबसे पहले अग्नि को ही बुझाता है। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, जिसमें पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता, वो ऊंचा उठ नहीं सकता, और जिसमें क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, उसको किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ऊपर उठता चला जाता है। क्यों? उसमें है, जबरन राजा नहीं बनाया जाता, जबरन मंत्री नहीं बनाया जाता, जबरन साधु नहीं बनाया जाता है। साधु जीव जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों से जन्म लेता है, साधु वेश वाला साधु नहीं है, साधु का स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है ये भी मानस में बाबा ने कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जे ही जग जस पा। साधु का चरित्र कपास जैसा होता है। कपास का काम क्या है? प्रत्यक्ष होता है, लोग उतारते हैं, धुनते हैं, तंतु बनाते हैं, और दूसरे के तन को ढकने का काम आता है। मान लीजिए बहुत सुंदर वस्त्र आप धारण किए हैं और कहीं कोई छिद्र बन जाए, तो बड़े कलाकार लोग जो होते हैं उसमें रफू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप जब गौर से देखेंगे ऐसा बनाते हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ, लंबा सा धारी लग जाए तभी वो पता नहीं चलने देते हैं, किसके द्वारा? आ तो तंतु के द्वारा। साधु कौन है? जो अपने को कष्ट में भी डालकर दूसरे के छिद्र को बंद कर दे, ये चरित्र है। असाधु कौन है? अपने को कष्ट में डालकर दूसरे को सता दे, त्रास दे। कई लोग आपने देखा होगा, हमको कष्ट हो जाए, ना 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 ना, हमको सुख मिले चाहे दुख, उनको कलेश मिले तो हम प्रसन्न हैं, हम आप भगत हैं। भगत की कोई कोट नहीं है, भगत की कोई जाति नहीं है। मेरे सरकार शबरी अम्बा से कहते हैं, मानव एक भक्ति कर नाता। जगत में मैं कोई कोट नहीं मानता शबरी जी, केवल और केवल भक्ति मानता हूं।
अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम भक्त हैं कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? अथवा तो हम भी भक्त हैं क्या, इसका पता कैसे चलेगा? अगर हम भक्त हैं तो कैसे हैं? श्री रामचरितमानस जी में और पुराणों में तो ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं हैं, आप क्या कहें। देखिए ना, सीता मैया के, मेरी सीता मैया के हरण के लिए रावण के भय से मारीच गए, भगवान को दूर ले गया और भगवान ने बाण मार दिया। बाण लगते मारीच हिरण का वेश छोड़ना चाहा, भगवान को तो वो मारीच ही दिख रहा है, लेकिन वो अपने वेश से बाहर आया। गोस्वामी जी ने कितनी अद्भुत बात यहां लिखी, बाबा कहते देवी अंतर प्रेम तासु पहचाना अमोने दुर्लभ गति। मारीच तो असुर है, राक्षस है, भगवान ने उसका अंतर प्रेम पहचान लिया, तो इसके लिए क्या करें, राक्षस हो जाएं? भगवान हमारा भी प्रेम पहचान लेंगे और सदगति दे देंगे? नहीं, भक्त को कभी अपनी जीवनचर्या में सूत भर बाल भर धर्माचरण का परित्याग नहीं करना चाहिए। मारीच ने समझाया है रावण को, भांजे यदि वही सांवले गोरे हैं जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में आए थे तो वो हल्के में न लेना, वो बड़े वीर हैं, मार डालेंगे। और मेरा सहयोग करने आप आओगे तो आपको भी वो मार डालेंगे। रावण बड़ा विचित्र है, उसने कहा मामा जी चलिएगा तो वो मारेंगे और नहीं चलिएगा तो आपको हम मारेंगे। जानते हैं? ये इसलिए पहली पंक्ति आपको सुनाई, कितना भी लाभ हो रहा हो, इंद्र का पद प्राप्त होने की रचना आ जाए तब भी निम्न सोच वाले व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। सुन खगपति अस समुझी प्रसंग, 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 बुध नहीं करही अधम कर संग, हिते नीच पढ़ाई पा, हिते नीच पढ़ाई पा, सो प्रथम ही हति ताही न सा, के प्रसंग के आश्रय में हमने आपसे एक बात निवेदन किया,
कितना भी लाभ की आशा दिखे तो ऐसे व्यक्ति का संग कदापि नहीं करना चाहिए कि अपना भी धर्म कर्म नष्ट हो जाए। पहली बात। दूसरी बात इससे भी मीठी है। इस मर्त्यलोक में बहुत आवश्यक न हो तो किसी का अकारण एहसान सिर पर नहीं लादना चाहिए। दस दिन तक लगातार कोई आपको प्रातः का चाय मॉर्निंग टी पिलाएगा तो वो भी नोट करेगा दिमाग में कि दस दिन चाय पिलाया हूं, इसके बदले में इनसे क्या लेना है। ये धरती का बड़ा कड़वा सच है। कोई आदमी अकारण आपको प्रणाम कर रहा है, इसमें भी खेल है साहब। पहले संबंध बनाएंगे फिर बात करेंगे। मेरे सरकार की रचना बड़ी अद्भुत है। जीवन के 40-50 वर्ष तक में किन किन लोगों के साथ हमको जीवन की यात्रा पूर्ण करनी है, क्योंकि कोविड-19 ने सिखा दिया है कि भैया कौन कितने दिन का है, नोबडी नो। पहले तो ये लगता था ये इतने वर्ष के हैं, ये इतने वर्ष के हैं, अब कौन पहले जाएगा इसको भगवान जानता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस युग की पीड़ा है, परंतु जानकर अति आवश्यक न हो तो अकारण किसी की कमाई का भक्षण नहीं करना चाहिए। आवश्यक न हो तो किसी के द्वारा दी गई वस्तु प्राप्त नहीं करनी चाहिए, कोई प्रयोग नहीं जीवन में। जो दे रहा है वो लिख रहा है, वो नहीं लिखेगा, हिसाब किताब में लिखा जा रहा है। इसलिए संतों ने, सदग्रंथों ने, ऋषियों ने, सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने, सबने एक बात कही, अपना कर्म करके ही तब रोटी का भक्षण करना चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं करना चाहिए। जब ये जीवन में आएगा तो हमको धर्म सिद्धांत समझ में आएगा, धीरे 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 धीरे। हमने जब से राम कथा शुरू की है, जब कभी ऐसा अवसर आया कि कथा पानी बरस गया, पंडाल गिर गया, क्या हुआ, यदि हमने कथा नहीं गाई तो उस दिन हमने भोजन नहीं किया। क्यों? हमने यदि ठाकुर जी की ड्यूटी नहीं की, सेवा नहीं की, तो हमको खाने का अधिकार नहीं। हम जब आए हैं सेवा करेंगे, तब हम आए तो हम आज खाए नहीं, सो गए, अब सेवा करेंगे तब रात को खाएंगे। हमने कहा हम प्रसाद नहीं लेंगे, प्रसाद अब रात को लेंगे और दिन वाला भी रात में खा लेंगे। हम स्वभाव बनाएं, आपको सुख मिलेगा। दूसरी बात, बिना कुछ किए अपने निज घर में भी नहीं खाना चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है, किस लिए दिया है? इससे उद्यम करना चाहिए, शरीर से उद्यम। अरे घर में तो कोई काम नहीं है, काम झाड़ू पोछा बर्तन, गाय माता की सेवा, माता पिता की सेवा, बाजार से साग सब्जी लाना, आटा पिसा के लाना, मसाला ले आना, मेहमान को नवाजी करना, ये कम काम है? आदमी 8 घंटे की ड्यूटी पूरा कर सकता है। और जिसको करना ही नहीं है, जो गेंडा शरीर लेके टहल रहा है, वो तो यही पूछता रहता है हमको भी काम बताइएगा। उसको कहिए भोजन बने तो आइएगा, क्योंकि 12 बजे ही आपका काम आएगा। कभी नहीं, करने वाले पूछते नहीं है,
और जो पूछने वाले हैं उनको काम दिखता ही नहीं है, बड़े चालाक लोग हैं। काम के समय बीमार पड़े रहेंगे, जैसे ही थाली बजी गरुण जी बजे, हाँ अब हमारा भी नंबर है क्या, है ना, आओ। शरीर जो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। आप जरा विचार करिए, 35 लोग क्लास में होते हैं, 35 में 3 आईएएस हो जाते हैं, 3 राजनेता हो जाते हैं, 3 आईपीएस हो जाते हैं, 3 क्लर्क बन जाते हैं, 3 अध्यापक हो जाते हैं, होते होते अब कई 3 ऐसे होते हैं, वो होते ही रहते हैं, होते रहते हैं, वो कुछ नहीं होते। क्यों? विज्ञान कहता है ये जो कोष है 500 सबको बराबर मिला है, जो जितना उपयोग करता है उसका उतना बढ़ता चला जाता है, कोष बराबर है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है साहब, ध्यान रखिए, जो वस्तु जितनी महत्व की हो उसका उतना संहार करना चाहिए, उसका उतना उपयोग करना चाहिए। ये शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो शरीर साथ छोड़ देगा। महाराष्ट्र प्रांत में तो हमारी माताएं बड़ी सेवा करती हैं, बैठती नहीं है। हमारी ताई जी थी कानपुर में, उनके पास जब जाओ, बेटा बैठो अभी मैं कुछ जलपान बनाती हूँ, 1 सेकंड लगता, पोहा बनाया, ये बनाया, चाय बनाया, फटाफट 20 मिनट में सब हाजिर, इतनी तीव्रता, इतनी तीक्ष्णता। बैठो बैठो बैठो, नहीं हो। जीवन में इस सिद्धांत का हम प्रतिपादन करें, परमात्मा श्री राम क्यों दुनिया मानती है, दुनिया पूजती है, कारण विवाह के बाद आदमी आराम करता है, संसार के सुखोपभोग में लगा रहता है। मेरे राम ने आराम नहीं किया, और वनवास मिला तो परमात्मा क्या कहते हैं मां से, पिता दे मोही कानन राजो, पिता दे मोही कानन राजो, पिता दे सब भांति मोर बड़का जो, सब भांति मोर बड़का, सब भांति मोर बड़का जो, जी से कहते प्रभु कोसले सदरथ के जाए, कोसले सदरथ के जाए, हम पीत बचन मानी बन आए, तो बचन मानी बन आए, तो बचन मानी बन आए। चिंतन के 2 ढंग हैं। माता जी ने पिताजी को पटाकर समझा बुझाकर हमको घर से निकाल दिया, चिंतन का एक ढंग ये है। पूज्य पिताजी ने हमारे कल्याण हेतु धरती के भार को उतारने के लिए माँ को वचन दिया और हम वह देव कार्य करने वन में आ गए। कार्य एक है, चिंतन 2 प्रकार के। संसार का सुख नहीं मिला, रो लो।
संसार का सुख नहीं मिला भज लो। अरे ठीक है, प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा, अधिक की तो कामना नहीं है। और जो यहाँ लिख पात में हलचल में है, क्या है भगवान जाने क्या है, हम तो कथावाचक हैं, हमको तो कुछ पता रहता नहीं, समाचार में देखते ही नहीं, लोग बताते हैं तो सुन लेते हैं, मिलने वाले लोग बताते हैं। भगवान, ये धरती ऐसी विचित्र है, ये सदगुरु की धरती, समर्थ स्वामी रामदास जी की धरती, संत स्वामी से तुकाराम जी महाराज की धरती, संत स्वामी एकनाथ जी महाराज की तपस्थली, ये महापुरुषों की सिद्धों की धरती है, भीमा शंकर भगवान की धरती, ये तो साहब क्या कहें अब, होई ही सोई जो राम मंगल हो, और मंगल की भावना है, मंगल की कामना है, जो भी हो मंगल हो, प्रजा आनंद में रहे, इससे अधिक कोई कल्पना नहीं है। बाला साहब की ये पावन धरती, क्या एक समय था इस धरा पर सिंह भाव की उद्घोषणा गर्जना, परम श्रद्धे प्रातस्मणि पूज्य बाला साहब कैसा घोष करते थे, दुनिया जिस बात से डरती थी उसको सहज ही स्वीकार करके मुस्कुरा लेते थे। कहते हैं भगवान ने भी ही, लोग ये समझते हैं भगवान बन चले गए, भगवान को निकाल दिया गया, माता जी की परीक्षा, कुछ नहीं, सब ये सब व्यर्थ की बातें, जो जिस लिए आया है उसको वह करना चाहिए। भगवान किस लिए आए हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लेनु मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। ब्राह्मणों के कल्याण हेतु, गौ माताओं के संहार हेतु, अभी क्यों, अब तो विपरीत प्रकृति वाले असुर लोग जेही जेही देश धेन द्विज पाम ही गाम नगरपुर आग लगाऊ। अब भगवान किस लिए आए, विप्र धेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, जय इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। माया प्रकृति अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावे जाए, देखी भगत जो चोरे, भक्ति जीव को माया से बचाती है। ये माया क्या है, ये तो नई बात आ गई, ये तीसरी बात है, मैं ही कर रहा हूं ये माया है। अजब मैं न करता तो होता ही नहीं, ये माया है। मैं और मोर तोर तें माया, ये तेरा है ये मेरा है ये माया है, वो मेरा है ये तेरा है ये माया है, तो क्या करें महाराज, इसे जीव निकलेगा कैसे, भक्ति करें। भगत ये जान जाता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं रही में तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा तन है दिया,
हृदय संवाद है। वस्तुतः कभी आपने इस पर विचार किया होगा, किसी को भगवान बहुत अमीर के घर में जन्म दे देते हैं और किसी को बहुत गरीब के घर में जन्म दे देते हैं। कोई संघर्ष करते करते जीवन बिता देता है
और कोई संसार के सामग्री को पीते खाते ही जीवन बिता देता है। कई बहुत मेहनत करते हैं तब भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, कई कुछ न करते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है, उनका उसको महत्व नहीं रहता। ऐसा क्यों है? हम आप जो भगवत यात्रा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भक्ति पथ को मानते हैं, सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों का ऐसा चिंतन है जो जितना सत्कर्म करता है, तीन प्रकार के कर्म हैं, जन्म से पहले जन्माद्य कर्म, जन्म के साथ कुल कर्म और फिर संग कर्म, जन्माद्य संस्कार जन्म के पहले के संस्कार, जन्म संस्कार माने कुल संस्कार और संग जैसे लोगों का करते हैं संग संस्कार, तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के संस्कार हमको प्राप्त होते हैं। कैसे मिलते हैं? हमारे द्वारा ही मिलते हैं, हम जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए सदग्रंथ कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, कभी भी भूल कर कुपंथ पर पग नहीं रखना चाहिए। सतपथ पर ही पग रखना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, कुपंथ पर चलने वाले भी अपने को सही ही मानते हैं, उनका अपना चिंतन का तरीका है, ढंग है। और सतपथ पर चलने वाले तो मानेंगे ही। हम लोग सत्संग करने आए हैं, कुबंध की चर्चा करने नहीं आए हैं, परंतु आश्चर्य है कि दोनों पथ पर चलने वाले अपने को सही मानते हैं, उनके भी गवाह मिलते हैं, इनके भी गवाह मिलते हैं। हाँ हाँ, उनको वाह वाह करने वाले कलयुग में अधिक मिलते हैं, साधु सत्संगी को वाह वाह करने वाले कम मिलते हैं। क्या माना जाए, इनमें सही कौन है? छोड़िए, जो सही होगा होगा, परिणाम के अनुसार हम निर्णय कर सकते हैं कौन सही है और कौन ना सही है। गलत नहीं बोल रहे हैं, कौन सही है कौन ना सही है। मेरे राम जी का चरित्र आप दर्शन करिए, मेरे प्रभु 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं, कुछ लेकर नहीं आए। क्या लेके आए? सनि सजीवन साज समाज सब बनता बंधु, बस मैया हैं भैया हैं, कुछ नहीं भगवान ले गए। क्योंकि वचन में बाध्यता है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वरीष राम बनवासी, तापस भी तपस्वी का वेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि कई कई अम्बा राम जी के ऐश्वर्य को समझती हैं, जानती हैं कि यदि इनको तपस्वी के वेश में न बाधा गया तो ये कहीं जाकर नया साम्राज्य खड़ा करने बाद में अयोध्या आ जाएंगे। राजा बनाया नहीं जाता है, राजा होता है। अब तो समय बदला है, बहुत सारे ढंग हैं, विरोध के तरीके बदल गए हैं लोगों के। देखिए पूरा बिहार जल रहा है, विरोध घर में भी उत्पाती नहीं होना चाहिए। जो विरोध करे वो टीवी तोड़ दे, शीशा तोड़ दे, दरवाजा खुरच डाले, कपड़े फाड़ डाले, ये विरोध का तरीका नहीं, ये उत्पात है। ऐसे लोगों को थोड़े दिन आगरा में भर्ती कराना चाहिए, विरोध में किसी की हानि ना हो,
कोई नुकसान ना हो, क्योंकि देश अपना है, जो खोएगा वो हम सबका बराबर खोएगा। पूरा विश्व, आज पूरा विश्व सोशल मीडिया के द्वारा एक परिवार हो गया है। किसी परिवार में भी उत्पात होगा उसका असर सब पर पड़ेगा। जिन देशों से हमारे आपके लिए डीजल पेट्रोल आता है वहाँ उत्पात होता है तो बढ़ जाता है सब, पूरी दुनिया झेलती है, सबको कष्ट होता है। नहीं, विरोध बड़ा सात्विक करना चाहिए। घर में भी आप किसी से रुष्ट हो जाएं तो विरोध करें, शांत होइए, त्रास देकर नहीं। करते हैं, चुप होइए थोड़े दिन, बोलिए नहीं, सब धीरे धीरे शांत सहज हो जाएगा। दिन तोड़ फोड़ मचाना ये विरोध का ढंग अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे परमात्मा श्री राम कुछ नहीं केवल तपस्वी के वेश में आए, और दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी दशानन रावण दशग्रीव उसको ललकार दिया प्रभु ने। ऐसा कैसे संभव हो पाए? केवल एक कारण, रावण के पास चित्त नहीं है और मेरे राम के पास चित्त भी है और चरित्र भी है। जो चरित्र से श्रेष्ठ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जीवन में चरित्र ही श्रेष्ठत्व का वर्णन कराता है। हमारा चरित्र ऐसा हो कि दुनिया हमारा गुणगान करे, चरित्र हमारा नैष्ठिक होना चाहिए। छोटा सा यह कितना विजय पहाड़ रहा। श्रद्धेया माँ जीजाबाई ने क्या समर्थ स्वामी गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी में कितने भाव वीरत्व के उड़ेले होंगे कि हिंदू पद बादशाही का साम्राज्य प्रारंभ कर पाए। क्यों हुआ? बच्चों में भक्ति भाव का वीरत्व का स्फुरण हो, तेज का स्फुरण हो, प्रमाद का नहीं, त्याग का हो, लोभ का नहीं। संसार के सामान के प्रति राग का न हो, संसार के स्वामी के प्रति राग का हो। बहुत अद्भुत रामचरित्र दुनिया में पूजते, यही नहीं विदेश में भी जब हम लोग जाते हैं भगवान की जैसी पूजा यहां है वैसी वहां भी है, और भगवान के वीरत्व भाव का स्मरण सब लोग करते हैं। भगवान की वन यात्रा को हो जो जिसका जैसा भाव हो, लेकिन कोई मान्यता नहीं, हर व्यक्ति ही बोलता है राजा रामचंद्र भगवान की जय, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान राजा राम हमारे हृदय में विराजे। वनवासी राम नहीं, हर व्यक्ति भगवान के राजस्वरूप की उपासना करना चाहता। नीलांबुज श्यामल कोमल सीता समारोपित पाणो महासायक नमाम रामम रघुवं। रघुवंश के नाथ परमात्मा श्री राम जिनके वामांग में जगजननी माँ भगवती श्री सीता महारानी विराजमान है, इनको मैं नमन करता हूँ। जीव भी साधक भी भक्त भी दुनिया भी भगवान के राजस्वरूप की उपासना करना चाहती है। भगत लोग बाल स्वरूप की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है वैसी उपासना पद्धति स्वीकार लेता है। हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थल है जहाँ सरकार को महारानी जो अयोध्या जी से लेकर आई थी उनका नाम है राम राजा सरकार और छा धाम। बोलिए राम राजा सरकार की जय। राम राजा सरकार यहाँ दिन में पूजित होते हैं। आज भी पुलिस जब प्रणाम का गारद सुनाती है उठाती है तब वो जगते हैं। उनके राजभोग पर प्रातःकाल मंगला आरती पर शयन के समय
पुलिस गारद देती है, प्रणाम करती है, तब राजा साहब सोते हैं, राजा साहब उठते हैं, राजा साहब पाते हैं वीर भाव की उपासना। और ऐसा कौन है जो कायर भाव की उपासना करना चाहेगा? कायर के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, वो हर आदमी वीर के साथ रहना चाहता है। हमारे प्रातस्मणि समर्थ सदगुरु दासबोध ग्रंथ में स्पष्ट लिखते हैं कि वीरत्व का वर्ण करो, वीरत्व का, श्री राम, जय जय राम, ये विजय मंत्र है। और इसी मंत्र के प्रभाव से राम मंदिर श्रीधाम अयोध्या जी में निर्वाण यात्रा प्रारंभ कर पाया। करोड़ों करोड़ों साधकों ने जपा श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। देखिए ये जो हिंदू मन मस्तिष्क है ना, सनातनी जो मन मस्तिष्क है, ये भागवत है, उत्पाती नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो संप्रदाय, पंथ, कौम उत्पात में प्रवेश की उसका विनाश हो गया, परंतु हम लोग न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है, हमारे भगवान का भी नहीं पता है। मां ने पूछा भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो बाबा जी क्या कहते हैं, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्मा करे बिनु रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी पकता बड़ जोगी, बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रा असी सब भांति अलौकिक कर जाई नहीं पर, असी सब भांति अलौकिक कर महिमा जासु जाई नहीं करी, आदि अंतिर को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा, आदि सुन पावा मति अनुमान निगम यस गावा। न सत्य का आद्यंत पता चलता है, न सनातन का आद्यंत पता चलता है, न भगवान का आद्यंत पता चलता है, न भक्ति का आद्यंत पता चलता है। होती है, होता है, होते हैं, कब पता नहीं चलता। भक्ति की यात्रा जीवन में कब प्रारंभ हो जाए पता नहीं चलता, क्योंकि भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति जीव की स्थिति है। चाहकर भगत नहीं बनता, चाहकर भगत बनाया नहीं जाता।
आप कहेंगे महाराज पता तो चलता होगा ना, जो कहे कि हम भी भक्त हैं इसका अर्थ ये हुआ कि वह भक्त नहीं है, वो कह रहा है, भगत कहता नहीं है, रहता है। भगत कहेगा हम भगत हैं, भगत होता है, क्षमा करिएगा। आपने कभी भूख देखा अपनी, सिर में दर्द हो कभी दर्द देखा? अरे भूख दिखती नहीं है। आप कोई कहे कि भैया भूख लगी है तो क्या दिखाओ, तो क्या दिखाएंगे? अरे लगी है भाई, कुछ खाने को लाओ। नहीं नहीं, जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हम आपको कुछ खिलाएंगे नहीं, तो बेचारा भूखे रह जाएगा। जिस प्रकार भूख होती है नहीं दिखती है, दर्द होता है नहीं दिखता है, उसी प्रकार परमात्मा और भक्ति होती है दिखती नहीं है। होते हैं भगवान की भक्ति होती है। आप छोटी सी सूचना पर आदरणीय बैठे हैं, मान्य जन बैठे हैं, माता लोग भी बैठी हैं, छोटी सी सूचना। मैं तो जब एक शाम राम के नाम करने चलता हूँ निज निवास से आश्रम से, तो कल्पना करता हूँ 100-200 लोग होंगे, क्योंकि 100-200 लोग तो पूरी दुनिया में हैं जो सुनते हैं। प्रतिदिन 91-92 देशों में लोग कथा को श्रवण करते हैं, तो कहीं कुछ है, कहीं कजाकिस्तान में कोई है, युगांडा में है, कोई कनाडा में है, कोई कहीं है, कुछ थोड़ा तो सुनते ही होंगे, 4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट। कौन सुनता है? जो भगत है। और ये ध्यान रखिएगा, भगत कभी भी उत्पात में नहीं प्रवेश करता है, भगत कभी विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपने आनंद रस से फुर्सत नहीं है साहब। जैसे नशा करने वाला नशेड़ी अपने नशा के मस्ती में रहता है, चाहे जो करो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, उसी प्रकार भगत की भक्ति में जो रस है उस रस में इतना आनंदित रहता है, संसार के व्यवहार से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रावण ने हनुमान जी महाराज से पूछा, तुमको हमारा बड़ा बेटा हमारे पुत्र ने बांध लिया, तुमको लज्जा नहीं आती है? हनुमान जी गर्दन हिलाए, बोले नहीं। अरे राजसभा में बांध के लाए गए तब भी तुम्हें लज्जा नहीं आई? क्यों? श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? मोहिन कछु बांधे कैला, क्यों? कीन्ह चहु निज प्रभु कर का, मोहिन कछु। हमारा लक्ष्य उच्च है, आप अपने बड़े बेटे से ही पूछ लीजिए, हमको बांध के लाए हैं ये, पूछ लीजिए। और मैया भैया हनुमान जी को क्या कोई बांधेगा? नाग पास तो उनको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि शेष नारायण भगवान की सेवा में है तो असर नहीं करेगा, ये तो हनुमान जी की लीला है। श्री हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम ऐसे किया और वो नाग पांच खंड खंड हो गया। क्यों? श्री हनुमान जी कुछ और नहीं कहे, कहे मुझे आपको देखना था। मुझे क्यों देखना था तेरे को? तो ये देखना था कि जो जगत के स्वामी हैं, सारे संसार को चलाने वाले हैं, उनसे जो बैर विरोध कर लिया है वह व्यक्ति है कैसा? कई लोग
अपना अंत जानते हैं मानते नहीं है। कोई बहादुरी नहीं है। यदि हम जान गए हमारा अंत है तो उसकी यात्रा बड़ी मधुर करनी चाहिए। अंत की यात्रा इतनी सरल हो, सहज हो, यह मानव जीवन भगवान की एक अद्भुत गिफ्ट है, परमात्मा के द्वारा दिया गया ये ऐसा अलौकिक धन है जिसका कोई मोल नहीं है। चार प्रकार के जीव धरा पर हैं, अपने आप जन्म लेने वाले पेड़ पौधे झाड़ झंखास, पसीने से जन्म लेने वाले काकरोच मक्खी जुआ चारपाई के खटमल, ये सब चूहा लोग भी इसी में आते हैं। जहां आप झाड़ू नहीं लगाएंगे निरंतर, वहां ये सब पसीने के कारण से उत्पन्न हो जाते। घुन घुन जो गेहूं में मटर में चने में पड़ जाते हैं, फली में पड़ जाते हैं, फली में चने की फली में, पात गोभी में पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ये सब क्या है बताओ? गर्मी से उत्पन्न उद्भिज नहीं, इनको स्वेदज बोलते हैं। स्वेद से जन्म लेते हैं, अंडज जो अंडे से जन्म लेते हैं, हम लोग हैं जरायुज, मां के अंग से जन्म लेने वाले। इनमें मित्रों माताओं सावधानी पूर्वक समझना है कि इन चार खानियों में सबसे श्रेष्ठ हम लोगों की खानी है। अब ये खान ये शरीर मिला नहीं है, उन्होंने करुणा करके दिया है। कबहु के करी करुणा नर दे दे बिनु बिना कुछ चाहने वाले परमात्मा ने अकारण ही जीव पर प्रेम करने वाले परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर भेंट कर दिया। इसके बदले हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब आप चौथी बात जान लीजिए कि माँ जब अपने को मृत्यु के गाल में प्रवेश कराने का संकल्प लेती है तब वो संतान को जन्म देती है। 56 से लेकर और 75-80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे जल का ताप खौलने की स्थिति में आ जाता है, मां को इतनी पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है तब जीव का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य जगत में किसी के किए उपकार से उपकृत तो हो सकता है, मां के द्वारा किए गए उपकार से कोई जीव उपकृत हो सकता नहीं है। मां परमात्मा है, मां साक्षात भगवान है, भगवान ने मां को निमित्त बनाया। इसे मां से कभी उलझना नहीं चाहिए, मां का आदर करना चाहिए। परमात्मा ने, किसी महापुरुष ने कहा, परमात्मा जब स्वयं नहीं आ पाए तो उन्होंने धरती पर मां बना दिया। अर्थात भगवान मां है, मां भगवान है। इस सत्ता का सर्वकाल आदर करना चाहिए। भगवान वन से जब वापस आए हैं तो परमात्मा ने देखा सब दिख रहे हैं, कई कई अम्बा नहीं दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं मां भगवती से, प्रभु जानी कई कई लजानी प्रथमता सुर गए भवानी ताहि प्रभो बहुत सुख दीना
पुण्य निज भैया ए पानी सानी वाले पीछे हटो, कथा बोल रहे हम पानी पिला रहे हो बैठने वालों को। ये वीआईपी कल्चर हमको पसंद नहीं, चुपचाप कथा सुनने दो और आप सब लोग पीछे रखिए, पानी भी रखिए, चाय भी रखिए, भोजन भी रख लीजिए, लेकिन जब हम रुक जाएं तब सब करिए साहब। हम सिनेमा के एक्टर नहीं हैं, हम कथावाचक हैं। इसमें आप मौज न लीजिए, इसको सुनिए, गुनिए और जीवन में संभालिएगा। क्यों? ये शास्त्र सदग्रंथ सार है जीवन के। चाहे जैसे आप नहीं रह सकते, चाहे जैसे नहीं सुन सकते, बहुत अच्छा है, सबका सम्मान करिए, लेकिन बस आधे घंटे आओ सुन लीजिए, सम्मान करिए। भगवान माताओं का कितना आदर करते हैं, सबसे अधिक भगवान राजमाता कैकेयी का आदर करते हैं। तहि प्रभो बहुत सुख दे पुण्य ने जग गवन प्रभु की। तहि आपने कभी विचार किया कि राम जी त्रेता में हो गए, द्वापर में क्यों नहीं भए? द्वापर मेरे कन्हैया सरकार भए, क्योंकि त्रेता यज्ञ का युग था, द्वापर प्रभु पूजन का युग था। इसलिए भगवान कन्हैया आए कि इन उत्पातियों के साथ जैसे लीला करेंगे वैसे हम भी कृष्ण लीला करके इनको ठीक करके मानेंगे। आदमी का बड़ा मधुर स्वभाव है भैया। क्या? आदमी दूसरे की मौज लेता है उसको बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन बगल वाला व्यक्ति कहीं उसकी ले ले तो कहता देखिए ऐसा मत करिए, हमको पसंद नहीं है, तो दूसरे की ले रहा था। तो आदमी दूसरे की ताली बजा के लेना चाहता है और अपनी चुटकी बजा के भी नहीं जाने देना चाहता है, ये अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। मैं तो निवेदन करूं न लीजिए न कोई लेगा, इस पर एक पद है। अरे नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा न किसी का, सदा न जमाना किसी का, नहीं चाहिए खाना किसी का, नहीं चाहिए खाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना
का दुखाना नहीं चाहिए। प्रमाण गिन लीजिएगा, जिस व्यवहार से आप दूसरे को त्रास देंगे, हम त्रास देंगे, प्रकृति पलट के आपकी ओर उसको भेजेगी। आपने दूसरे को सताया, वो आपको सताए। एक प्रमाण आपको सुनाता हूँ। एक हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बहू को छोड़ दिया। मेरे पास खबर आई तो मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन समझ में कहाँ आता है जब तक दर्द न बहने लगे। साधु संत कथावाचक की, सद्गुरु की तो तब मानते हैं जब लोग भुगत लेते हैं, ऐसे कौन किसी की मानता है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि ये प्रकृति बड़ी विचित्र है, न जाने क्या कर बैठे। भगवान की लीला जब घूमने लगती है तो घूमते घूमते कहाँ तक जाएगी भगवान को भी नहीं पता, वो तो लीला छोड़ देते हैं, जाओ करो। अरे राम, उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह किया। कुछ दिन बाद उस बिटिया के ससुराल वालों ने बिटिया को घर पहुंचा दिया। अब इनको एहसास हुआ, ये तो मैंने ये क्या हो गया, ये मैंने क्या भूल कर दिया। मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा हम देखो, एक मेरा स्वभाव है कि मैं आदमी को एक और दो बार समझाता हूँ, तीसरी बार समझ जाता हूँ कि आदमी हमसे भी समझदार है। हाँ, समझ के भी जो न समझे तो तुम समझ लो, खुद ना समझो। रावण के लिए लिखा है, फूलई फरयिक बेत यद्यपि सुधा पर सही जलधि। बेत, बेत हमारे छोटे छोटे बांस यहाँ होते हैं महाराष्ट्र में पर्याप्त, मराठा क्षेत्र में, क्योंकि दंड का यहाँ काफी प्रचलन है ना, वीरत्व का वर्ण है तो दंड बहुत होता है। फूलई फरई की बेत यद्यपि सुधा बर सही जल दे, मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी बेंत में फल फूल नहीं होता। कैसे? अत मूरुख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरन जिसम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में कितना भी समझा समझा चेत जाओ, वो नहीं चेतेगा, चाहे गुरुजी ब्रह्मा ही क्यों न बन के आ जाए। ब्रह्मा गुरु बन जाए तब वो समझ में आता, इसलिए समझ लेना चाहिए। और बहुत ठीक भी नहीं करना चाहिए, प्रकृति से डरना चाहिए। प्रकृति की बड़ी विचित्र स्थिति है, क्यों? सांख्य दर्शन में प्रकृति को जड़ कहा गया है, प्रकृति चेतन नहीं है। ऐसे हम में आप में कोई भी इस दीवाल में सिर लड़ावे और कहे कि हे भगवान चोट न लगे, तो उसको क्या पता कि क्या है। आप जैसे भिड़ेंगे निकल के बाहर आलू आ जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। कभी भी किसी कारण से आप देख लीजिए, उठा कर देखिए, पूरे सदग्रंथों को उठा कर देखिए, किसी महापुरुष के वचन है। धर्म त्रास से मिटत हैं लक्ष्मी सुख यरुवंश। धर्म को त्रास देने से लक्ष्मी नष्ट होती है, जीव का सुख नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट होता है। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ना मानो तो देख लो
रावण को विश्वास नहीं है तो इतिहास देखिए। ये तो हमारा आपका दुर्भाग्य है कि भारत के पहले दूसरे जो शिक्षा मंत्री थे वो इस्लामिक संस्कृति के ही पालित पोषित थे, तो पूरा केवल भारत में कब कब सताए गए हम सनातनी लोग, कब कब साम्राज्य मुगलों का स्थापित रहा, यही इतिहास पढ़ाया गया आज तक। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब इतिहास सही पढ़ाया जाएगा, जो है वही पढ़ाया जाएगा, सही पढ़ाया जाएगा। ये कोई बात है? महाराणा प्रताप साहब ने कितना हल्दी घाटी से लेकर चेतक भैया के साथ कितने युद्ध ठाने। तीन पैराग्राफ्स पढ़ा दिए गए, अकबरवा के लिए पूरी पोथी लिख दी गई। शासकों ने महान बता दिया। हमारे सनातन धर्म में अपनी अर्धांगिनी के अलावा दूसरी स्त्री को देखना भी है तो मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री मां जैसी है, मेरी मां है, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। लुटेरों को साम्राज्य बताया गया, राजा बताया गया, जो लूट ले गए भारत को वो राजा हो गए, जो संस्कृति के लिए लड़ते रहे सब आतंकवादी हो गए। नाम नहीं लेना, लेकिन मैं अभी निवेदन कर रहा था, प्रकृति पलटती है, जमाना स्वर बदलता है, चाल बदल जाती है। ये मिट्टी भारत की मिट्टी है, हमारी संस्कृति गुलामों की नहीं रही है, संघर्षों की संस्कृति रही। एक पद है, बड़ा अद्भुत पद है, निर्माणों के पावन युग, निर्माणों के पावन युग हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना किया धीर, स्वार्थ साधना किया धीर, वसुधा का कल्याण के। इतनों माताओं हमारी संस्कृति वीरत्व की संस्कृति रही। लोग कहते हैं राम जी का वनवास हो गया, नहीं भैया हमने कभी वनवास के पद नहीं गाए। राजा का क्या वनवास जी, हम अयोध्या से आए हैं तो घर से बाहर निकल के आए आश्रम से, तो यहां कष्ट में थोड़ी आए हैं, आनंद में आए हैं, और जितने दिन रहेंगे महाराष्ट्र में आनंद में रहेंगे। क्यों? साधु और राजा जहां रहता है वो आनंद में रहता है, उसका कोई वन नहीं होता। काहे कबन जी, काहे का वनवास? लेकिन नहीं, इन इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों को, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। मध्यकालीन इतिहास है वो भी कलंकित है, पूर्वकालीन इतिहास है हमारा वो भी कलंकित है। वो तो नौजवान जब MA क्लास पास करता है, PhD करता है, तब उसको यथार्थ का बोध होता है। ये क्या है, हमको गलत ही पढ़ाया गया, गलत ही लोग सत्ता में थे इसलिए गलत पढ़ाया गया। आप में कौन बैठा है, हमको इसका ज्ञान नहीं है, हमको सत्य बोलने की बीमारी है। क्या है, कौन है, मैं ये सब विचार नहीं करता। जो यथार्थ है वही राम है, रामो विग्रहवान धर्म
साधु सत्य पराक्रम है। राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, साधु हैं, सत्य हैं और वीरत्व के भाव हैं, वीरों के लिए उपास्य हैं राम। वीर लोग राम जी को पूजते हैं। देखो, ओम जय जगदीश हरे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, घंटी टुनटुनाने से ना राष्ट्र नहीं बनता। एक माई का प्रश्न आया है अभी, उनका वो महाराज जी, मेरे भैया जी के लाला जी ने शायद पद भेजा है, गाता हूँ किसी बहन का ये प्रश्न है। प्रश्न आया, महाराज जी आप कहते हैं कि पूजा पाठ जरूर करना चाहिए लेकिन स्त्री को अकेले नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है, हम जो नहीं कहते वही लोग हमारे नाम लिख लेते हैं। हमने कभी नहीं कहा। जिसको भूख लगे वो खावे, आप कथा में खाते रहिए लेकिन घर से लाकर खाइए, दूसरे से लाने की अपेक्षा न करिए। कथा सुनने आए हैं तो शायद कोई समोसा दे दे, नहीं नहीं चलेगा। आप अपने आगे रखे रहिए और खाते रहिए, सुनते रहिए, हमारा विरोध नहीं है, परंतु दो तीन लोग मिल करके बांटें डिब्बा, ये ठीक नहीं। हाँ, काजू खाइए, बादाम खाइए, केतली में चाय लेके आइए, पीते रहिए, खाते रहिए, जितना सुनना है उतने तो आप सुनेंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि केवल स्त्री को पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अथवा अकेले नहीं करना चाहिए। किसी को भी स्वतंत्रता है, अकेले मान लीजिए किसी के आगे पछना, और माई का जहरीला है सुनिए, अकेले नहीं करना चाहिए। बहन जी मैंने कभी नहीं कहा, अकेले करो दुकेले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोगों के पति लोग जाड़े में महीनों नहाते नहीं हैं तो पूजा कैसे करेंगे। हमने देखा है ऐसे लोगों को, पत्नी लड़ रही है कि नहा लेते, पाउडर लगा लिया, इतर लगा लिया, हो गया। अरे कमाल है, इतना डर जाड़े से। हम केदार में गए थे तो केदार में तो इतना ठंडा पानी है कि आप हाथ में लगा लीजिए केदारनाथ में तो लगता हाथ ही चला गया, पता नहीं चलता है। वहां भी स्नान किया गया, क्यों, बाबा के दरबार में, बिना स्नान के दर्शन कैसे करेंगे। देखिए मां ने पूछा, महाराज जी लेकिन क्या कहूं, मेरे पति पियक्कड़ हैं और पियक्कड़ के साथ साथ जितने भी संसार में गुण होते हैं सब इनमें हैं। ये तो कुछ नहीं, तीसरी कठिनाई माँ की और है। लिखती है, वो पिए हमको एतराज नहीं है, अपने जैसा हमको भी बनाना चाहते हैं। हद है भाई, ये आदमी है कि जरा संत है। माँ की तरफ भगवत भक्ति करते हुए भगवान से यही मांगिए कि हे प्रभु, इनके मन और बुद्धि को अपने चरण में, शाम को नहीं खाओगे सवेरे खाओगे, दिन को नहीं खाओगे दो बजे रात को चुरा के पराठा खाओगे, ये बहाना नहीं चलेगा। भूखे कोई नहीं रह सकता है। अभी तो हमारे एक साथी आए नहीं है, वो रात को दो बजे भी खा लेते हैं। हम आधी टीम लेके आए इसलिए कुछ लेके नहीं आए, भैया लोग बस आ गए और हम लोग आपके साथ सत्संग हुआ। हाँ, ये अवश्य है कि आने वाले एक वर्ष में 24 के पहले जब हम पुणे में राम कथा गाने आएंगे तो साम ताम झाम के साथ आएंगे, फिर आपको सुनाएंगे। हम इसीलिए आपके पास दो दिन के लिए आए हैं, उसके बाद फिर विधिवत हम लोग आपके साथ बैठेंगे और गाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, किसी को पूजा के लिए कहिए मत, लेकिन 18 साल के पहले बच्चों को जरूर कहते रहिए पूजा करो नाओ, क्योंकि 12 वर्ष में जीव का स्वभाव भजन का बन जाता है। छोड़िए किसी को नहीं,
गलत देखिए, छोड़िए नहीं। कई लोग कहते हैं हम जगाते नहीं, जगाना बंद न करिए। हमारी एक पुत्री है, उसका नाम है मैत्रेयी। तो परसों में आश्रम पर था हरिद्वार, तो स्वभाव है हमारा, हम 5-6 बजे के अंदर जग जाते हैं। आई बोली, पापा गुड मॉर्निंग, आप जग गए, आप बहुत सताते हैं पापा, मैं 2 बजे पढ़ के सोई और आप जगा दिए हमको। मैंने कहा नहीं बेटी, मैं जगाया नहीं, आप जगी हो, मैं तो जग करके अपना काम धाम कर रहा था, लेकिन आप जग जाते हैं तो हमको नींद नहीं आती है। आप देखिए 18 से ऊपर की है वो, मैंने कभी बच्चों को जगाया नहीं, अब हमारे घर की दिनचर्या ऐसी है तो हम का करें। ये साथियों को हम 5 बजे जगा देते थे और जग करके हम लोग जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन, ये पाठ करते थे, भगवान को याद करते थे। तो अब वो अभ्यास हो गया। सांझ का बिटिया बोली, पापा लेकिन मॉर्निंग में जग जाओ ना तो तबीयत दिन भर आनंद में रहती। बच्चों को जगाने से चूकिए नहीं। कल एक कथा आपको सुनाऊंगा, एक हमारे मित्र ने भेजा है। कक्षा 5 के कक्षा गुरु कक्षा अध्यापक ने बच्चों से कहा एक निबंध लिखो कि हमको ऐसी मां चाहिए। बच्चों ने निबंध लिखा, उसमें एक बच्चे ने निबंध लिखा मुझे मां चाहिए लेकिन ऑफलाइन मां चाहिए। कैसी? मैं पढ़ा तो मेरी खोपड़ी टनक गई कि छोटा सा बच्चा क्या सोच गया। ऑनलाइन मां नहीं चाहिए, ऑनलाइन समझते हैं ना कि 24 घंटा वो अपने में व्यस्त है। बच्चे की क्या मांग है? मुझे ऑफलाइन मां चाहिए। ये ऑफलाइन क्या है इसको हम आपसे कल चर्चा करेंगे। आज की 5वीं बात, हम आप भाग्यशाली हैं, कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, जिह्वा रस ले रही है, नासिका सूंघ रही है, मुंह चल रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, पांव भी चल रहा है। जरा कल्पना करिए इसमें एक भी न हो तो हमारी स्थिति क्या हो। इसलिए यह मानव शरीर इतना अनमोल है, इतना अद्भुत है, जो जान गया है उसको यह मान कर कि मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्रसादी है, परमात्मा की दिव्य सामग्री है, उसको इसी भाव में लेना चाहिए और इस शरीर से जितना हो सके मनुष्य के जीवन को धन्यता प्रदान करनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो, कोई हमको अपनी वस्तु दे और हम उसको संहार करके रखें तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी कि इसको दिया तो इसने संभाल कर रखा। सब जगह अलग अलग बताया गया है। हमारे यहां एक सत्य सब जगह है, एकम सद विपरा बहुधा बदंती। सत्य एक है। जितने संप्रदाय में आप जाएंगे, जितने ग्रंथों में जाएंगे, बात एक ही कही जाती है सब जगह। तो मनुष्य का जीवन पाकर क्या करें, मैंने आपको निवेदन किया। त्रेता में यज्ञ प्रधान धर्म था, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवान का नाम, केवल हरि नाम। कैसे भी गाते रहिए, सोते उठते बैठते खाते पीते आते मिलते जुलते गाते रहिए। साधक कहता है हरि नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
क्यों? ये कारण काल सदा अपने रस डोले ना जाने कहु सिर चढ़ी काल सदा कलयुग के समान कोई युग भया नहीं। कई लोग कहते हैं बड़ा बुरा समय आ गया है। अरे बुरा समय उसका आ गया है जिसके कर्म बुरे हैं। बहुत है बढ़िया समय है साहब। काहे न स्वाहा करना है न पूजन में जाना है तो क्या करें महाराज? केवल हरि गुण गाना है। भगवान के नाम का कैसे भी स्मरण करिए, चलते चलते, बैठे बैठे, सोते सोते, उठते उठते, मिलते मिलते, राम राम जी भाई जी, राम राम, राम राम, जय राम जी की, जय सिया राम। बस किसी से मिलिएगा तो ये न कहिएगा भाई साहब राम राम सत्य है, झगड़ा हो जाएगा।
क्योंकि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। जहाँ आपने कहा तो वो पूछेगा हमारा है कि तुम्हारा। नहीं नहीं, सत्य तो कोई सुनना नहीं चाहता। हम लोग भी मीठा ही बोलते हैं, किसी को बुरा न लगे। जानते हैं, सत्य बोलने की आदत हो तो छोड़ दीजिए। सत्य कड़वा होता है। आजकल सत्य का समय नहीं रहा। सबके कान झूठ सुनना चाहते हैं। जो गलत कर्म करे उसकी प्रशंसा करिए। अरे देवराज इंद्र हैं साहब, देवताओं के राजा हैं। का है दिन रात उसी में लगे रहते हैं, जय 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 में लगे रहते, क्योंकि उनका नाम देवराज इंद्र का सुरा नीक है। सुरा नीक, एक इंद्र का नाम है सुरा नीक। कड़वा बोल कर किसी को अपना शत्रु क्यों बनाना। यदि किसी की बात आपको अच्छी न लगती हो तो मौन रहिए, शत्रु न बने। हर आदमी, बुरा आदमी भी अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहता है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, तो वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। जब उनको दूध पीना होता था तो पूरे गांव का चक्कर लगाते थे और पूछते थे, जिसके दरवाजे भैंस देखते थे उनको देखकर लोग गैया भैंसिया सब अंदर कर लेते थे, तो खूंटे पर देख लेते थे। पूछते थे, कहो भैंस है? है बाबू, अभी दूध नहीं देती है। तो कहते थे, जाओ कल से न देगी। दूध सूख जाता था, ऐसे तांत्रिक थे वो। फिर वो आके उनके पांव पड़ता था तो कहते थे, कल कह रहे थे दूध देती नहीं है, तब क्यों रो रहे हो? ये मिट्टी ले जाओ, छिड़क दो और दो दिन का दूध पहुंचा देना। ए ले, जिसने उनकी निंदा की उसके साथ वो झटका लगा देते थे। भाई साहब इतने तांत्रिक थे कि खड़ा पेड़ देखते तो सूख जाए, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन उनकी कोई निंदा डर के मारे नहीं करता था। क्यों? न जाने किस बात पर देख दें और सूख जाए आदमी। तो सत्य कोई सुनना, तो जब सुनना ही नहीं चाहता है तो सत्य बोलना बंद कर दिया जाए। आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव है? नहीं संभव है तो बनाइए, नहीं तो शत्रु बनाते रहेंगे आप। ये सत्य नहीं है कि भारत ऋषियों का देश है? सत्य है ना, भारत वेद भगवान का देश है। भारत में सप्तऋषि रहते थे, रहते हैं, हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनो मार्कण्डेयश्च अष्टमम्। ये सत्य है ना कि हमारे यहाँ आठ चिरंजीवी हैं, आज भी उपस्थित हैं, है? नहीं, ये सब नहीं बोलना है। लटर पटर बोलना है, सत्य तो बोलना ही नहीं है। सत्य बोले तो लोग दुश्मनी मान खड़े हो जाएंगे, सत्य नहीं बोलना है। खाना है सनातन धर्म की, गाना है चाहे जिस कर्म की, किस फर्म की। हमारे देसी में कहावत है, खाए भतार का और गावे यार का। पति की कमाई खावे और पड़ोसी अंकल का बड़ाई करे, ये सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, सत्य बोलकर दुश्मन निर्माण न किया जाए, मौन रहा जाए। महाभारत का प्रसंग है, रामायण का प्रसंग है। माल्यवान वही शिक्षा देते थे रावण को जो उसके हित में था, मानते नहीं था। विभीषण जी ने शिक्षा दिया तो लात मारा, तात लात रावण मोही मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा,
तेहि कारण रघुपति पहीं आए। इस कारण से मैं शरण में आ गया। कुंभकर्ण से विभीषण जी बताते हैं मैं क्यों इधर गया, बोले जाओ मुझे अपना पराया नहीं दिख रहा है, मेरा अंत समय आ गया है, जाओ तुमने अपना जीवन धन्य कर लिया, जाओ जाओ राम जी की सेवा करो। विदुर जी ने कितना समझाया, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र को कितना समझाया, क्या समझाया, पांडवों को जीता नहीं जा सकता है क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े हैं। दुर्योधन कहता है कौन भगवान, वो ग्वारिया, अरे मेरे साथ धनुर्धर कर्ण हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, न जाने कितनी गिनती गिनता था वो। लेकिन हुआ क्या, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तत्कर्म। भगवान जिसके साथ खड़े हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जो भगवान का है वो सबका है। आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, 4-5 वर्ष पहले हम लोग केदार यात्रा में गए थे, छुटपुट लोग दर्शन में जाया करते थे, इस वर्ष गए तो जैसे यहां विट्ठल भगवान के यहां लोग सज धज के गांव गांव से जाते हैं दर्शन करने भगवान विट्ठल स्वामी के, और वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर की जैसे होती है, इस वर्ष ठीक वैसी यात्रा भगवान केदारनाथ स्वामी की भारत की प्रजा कर रही है, पैदल कर रही है 16 किलोमीटर की यात्रा। नौजवान बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छड़ी लिए पैदल पैदल। हम लोग तो खटोला से गए थे क्योंकि पैदल चलें तो पता चला कि पांवे सूज जाए, कथा कैसे होगी। लेकिन इस वर्ष इतनी यात्रा, अब तक लगभग 7 लाख लोग बद्री और केदार की यात्रा कर चुके हैं। कितनी कठोर यात्रा पैदल। ये प्रजा में जागरण भया है, आश्चर्य। पिछले वर्ष गए थे तो गुजरात से संख्या अधिक थी, इस वर्ष साउथ इंडिया में अपने उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के भक्तों की संख्या अतिशय अत्यधिक थी, वहां अधिक तो स्वरूप दिखाई पड़ता है ना। बद्री विशाल में गए तो हम 5 लोग उत्तर भारतीय थे, 2-3 लोग गुजरात के थे, शेष तब तेलंगाना, कोई भिवंडी कोई जिला है अपने यहाँ, भिवंडी, यहाँ एक कोई धुले है ना, धुले कोई धुलिया जिसको बोलते हैं, हाँ। तो काफी इधर से भी भगवान के, उत्तर वाले भगवान को दर्शन करने के लिए दक्षिण के भक्तों में कितनी श्रद्धा है। हम लोग उत्तर से दक्षिण दर्शन में जाते हैं, तिरुपति स्वामी के, मल्लिकार्जुन भगवान के, रामेश्वरम भगवान के, और अब देखिए कैसा एका बना है। ये एक भारत है, ये भारत का स्वरूप है कि दक्षिण के भक्त लोग उत्तर के भगवान का दर्शन करें और उत्तर के रहने वाले भक्त लोग दक्षिण के भगवान का दर्शन करें, पश्चिम के भगवान का दर्शन, यही भारत है। एक जागरण है, जन जागरण है, समाज जागरण है, धर्म जागरण है। हमारी आपकी इसमें आहुति हो, इसका सर्वकाल प्रयत्न करना चाहिए, और जो जितना जग सकता है, अरे प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, सबको जगाइए। कारण भगत कहता है हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया
इच्छा गुरु को रहती है तेरी हर बात की चिंता श्वास पर भगवान के की चिंता रहे हर श्वास पर भगवान के चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता भीषण को रघुनाथ को किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता तुही फिर देश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना तो इस बात की चिंता जगत की शरण में नहीं जगदीश की शरण में माथ रखें भगवान की टेक है आए शरण तजऊ नहीं ताही कोट विप्रबध लागी जाही तो भगवान की शरणागति हो। कल हम लोग 5 बजे मिलते हैं, कल दूसरे दिन की वेला पुणौती लगी। सभी मान्य जनों को बहुत बहुत स्नेह और साधुवाद, मेरा प्रणाम। आप सब ने भाव बनाया तो हमारे बाबू का यह संकल्प सिद्ध हुआ। मनुषा वाचा कर्मणा हमारे सुपुत्र श्री राम जी के साथ जो जो लगे हैं पुनः एक बार उनको मैं प्रणाम वंदन करता हूँ और कल की प्रतीक्षा रहेगी। हम आप कल मिलते हैं ठीक 5 से 8 के क्रम में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम।
राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सर्जन याज के प्रभु शंभनाथ हनुमान राम लखन श्री जान की सदा करहु कल्याण राजा राम चंद्र भगवान की शिवभवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पद्यपाद गोस्वामी जी महाराज की श्री वेद पुराण इतिहास भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर कनक सिंहासन राज तिजोरी दशरथ नंदन अवध
जगेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते अनाकं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सादर जय सियाराम। जो भी भक्तगण अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं तो पूज्य श्री के पास आकर व्यास पीठ के पास आकर अपने